हमें बहुत वियर्ड बिहेवियर लगता था इसका, क्योंकि ना तो ऐसा मेरा बिहेवियर है ना मेरे हस्बैंड का है, बट ये बिल्कुल डिफरेंट है एकदम। इसका ड्यूअल पर्सनालिटी हम लोग कहते भी थे और वो आपकी रिपोर्ट में भी आया है कि ये मुझे शायद कहीं और या किसी मतलब नेबर्स या मेरे पेरेंट्स उन सब से मुझे शायद इतना नहीं फीडबैक मिल पाता या इतना रेमेडी जो भी आपने बताई है वो नहीं पता जो इस टेस्ट से पता चला है। तो आई एम रियली वेरी 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 थैंकफुल टू यू एंड योर स्टडीज एंड योर काउंसलिंग। तो ये रियली ये बहुत फ्रूटफुल है हमारे लिए, हम जैसे पेरेंट्स के लिए जो स्पेशली वर्किंग है कि उतना टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों के लिए। जैसा कि आपने बताया कि समय और धन बहुत कीमती है अभी आने वाले समय में, तो दोनों ही जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनके पास नहीं होता है उतना समय कि बच्चों को दे पाए। तो सर इससे डेफिनेटली आपकी जो ये रिपोर्ट्स है और ये जो काउंसलिंग है इससे हमारा टाइम सेव होगा जिसमें हम अपने बच्चों को अच्छे से नेविगेट कर पाएंगे। साहब जो गुजरात में रहते हैं इस समय और बैंक ऑफ इंडिया में आप सीनियर मैनेजर पोस्ट पे हैं और नीचे आपको देखेंगे उनकी वाइफ जो कोटा में रहती हैं और कोटा से हैं वो भी इंडियन बैंक में मैनेजर हैं। मैंने साहब मैंने आज आपके बच्चे की डीएमआईटी रिपोर्ट काउंसलिंग किया। आप बताएं दर्शकों को कि आपको इसके डीएमआईटी रिपोर्ट काउंसलिंग के बाद आपको अपने बच्चे के बारे में क्या फीलिंग्स हैं? हेलो एवरीवन, बेसिकली मैं हर्षवर्धन मीना मेरा नाम है और बैंकिंग फील्ड से हूँ मैं। एक्चुअली मैंने भी डीएमआईटी के बारे में सुना था थोड़ा सा कि भाई जो चिल्ड्रंस या जो चाइल्ड्स होता है उसके फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पे कुछ प्रिडिक्शन जो है वो किए जाते हैं। तो इसके लिए सर मुझे आपका कहीं से रेफरेंस मिला। इसके बाद जो आपसे काउंसलिंग जो पूरी हुई है आपने जो मोर देन हाफ एन आवर आपने हमें दिया, तो जो जो भी आपने पॉइंट्स दिखाए वो सिमिलरली मतलब ये कह सकता हूँ कि मेरा जो बच्चा मतलब जीरो से लेके मतलब सिक्स ईयर तक जो भी उसने बिहेवियर किया वो लगभग लगभग आपने प्रिडिक्ट कर दिया कि मोटा मोटी किस तरह से वो बिहेव करता है। तो वो आपने जो भी काउंसलिंग की उस दौरान वो पूरा आपने मतलब पॉइंट टू पॉइंट लगभग लगभग बता ही दिया कि हाँ बच्चे का चाइल्ड का बिहेवियर ऐसा है ऐसा है। और जैसा कि हम जानना चाहते थे कि भाई बच्चों का हमारा आगे हमें उसे नेविगेट करना है तो किस फील्ड में नेविगेट करें, तो उसमें जो आपकी काउंसलिंग से जो हमें मदद मिली जैसे आपने बताया कि फाइव स्टार्स कुछ है किस फील्ड में बच्चे का फाइव स्टार्स रेटिंग आ रहा है, तो उससे हमें काफ़ी मतलब मदद मिलेगी आगे के फ्यूचर में उसको किस लाइन में हमें डालना है। तो ये रियली ये बहुत फ्रूटफुल है हमारे लिए, हम जैसे पेरेंट्स के लिए जो स्पेशली वर्किंग है कि उतना टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों के लिए। जैसा कि आपने बताया कि समय और धन बहुत कीमती है अभी आने वाले समय में, तो दोनों ही जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनके पास नहीं होता है उतना समय कि बच्चों को दे पाए। तो ये आज की तारीख में समय काफ़ी इम्पोर्टेंट है जैसा आपने बताया। तो सर इससे डेफिनेटली आपकी जो ये रिपोर्ट्स है और ये जो काउंसलिंग है इससे हमारा टाइम सेव होगा जिसमें हम अपने बच्चों को अच्छे से नेविगेट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मीना साहब। हमारे मीना साहब जो गुजरात में रहते हैं इस समय और मैडम आपका छोटा सा परिचय लेते हुए मैं जानना चाहूंगा कि आपके साथ ज्यादातर बच्ची रहती है और आपके साथ जैसा बच्ची का बिहेवियर है उससे बच्चे को पालने में आपको कितना मदद मिलेगी, कुछ शब्द आपके या मैडम? मेरा नाम ममता मीना है, मैं इंडियन बैंक में मैनेजर हूँ, कोटा में हूँ अभी। मेरी गुड़िया है 5 ईयर ओल्ड है, फर्स्ट क्लास में है। इसके बिहेवियर को लेकर हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहते थे मैं और मेरे हस्बैंड। तो हमें बहुत वियर्ड बिहेवियर लगता था इसका, क्योंकि ना तो ऐसा मेरा बिहेवियर है ना मेरे हस्बैंड का है, बट ये बिल्कुल डिफरेंट है एकदम। इसका ड्यूअल पर्सनैलिटी हम लोग कहते भी थे और वो आपकी रिपोर्ट में भी आया है जो हमें पता चला था डीएमआईटी टेस्ट के बारे में। तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि हमें ये करवाना ही चाहिए, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे थे अपने बच्चे को कि ये घर के अंदर ऐसा है बिहेवियर, घर के बाहर एकदम पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, तो कहीं कुछ डिसऑर्डर या कुछ एबनॉर्मलिटी है या अंदर ही अंदर कुछ इसके अंदर कुछ चल रहा है जो हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो इस टेस्ट से मुझे बहुत कुछ पता चला है कि ऐसा होता है, बच्चे ऐसे होते हैं कि घर पे अलग बिहेवियर है इसका, बाहर अलग बिहेवियर है। और जो भी आपने रेमेडीज भी इसमें जो बताई हैं कि हमें किस तरह से बच्चे के साथ करना चाहिए ताकि उसका अच्छे से वो ग्रूम अप हो सके, वो बहुत ही हेल्पफुल रहा है। मतलब एज अ मदर मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब एक सेटिस्फेक्शन जो होता है कि ये मुझे शायद कहीं और या किसी मतलब नेबर्स या मेरे पेरेंट्स उन सब से मुझे शायद इतना नहीं फीडबैक मिल पाता या इतना रेमेडी जो भी आपने बताई है वो नहीं पता चला, मुझे इस टेस्ट से पता चला है। तो
I'm really great. Very, very, very thankful to you and your studies and your counseling. Yeah. तो उन्होंने आपने जो हमें बताया है बिल्कुल ध्यान में रखेंगे हम और आगे भी हम लोग इसकी काउंसलिंग करवाते रहेंगे एज वाइज जैसे जैसे ये बढ़ेगी थैंक यू सो मच ममता जी और ये थे हमारे मीना साहब ममता जी और मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने यूट्यूब दर्शकों को कोई छोटा सा संदेश देना चाहें तो प्लीज जरूर स्वागत है आपका मैं जरूर कहूंगी कि जो भी पेरेंट्स हैं मतलब जिनके भी बच्चे अभी 4-5 years के हैं क्योंकि उनका नेचर एकदम से चेंज होता है तो इस टाइम पर जरूर आप ये टेस्ट करवाएं ताकि आपको भी पता चले कि इनके साथ हमें कैसा बिहेव करना है और हमें इनको किस फील्ड में थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है इनकी ग्रूमिंग के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल समय किसी के पास नहीं रह पाता है सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में बिजी हैं इधर हाउसवाइफ है तो वो भी हाउसहोल्ड कोर्स में इतना बिजी है कि वो बच्चे पर इतना ध्यान नहीं दे पाते और एज अ वर्किंग वुमेन भी है तो वो तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है कि सिर्फ संडेज ही मिल पाते हैं हमें और उन संडेज में भी हमारे कुछ पर्सनल वर्क्स ऐसे होते हैं कि हम बच्चे पर ध्यान ही नहीं दे पाते तो ये टेस्ट मेरे ख्याल से सभी को कराना चाहिए और है ना इस पर काउंसलिंग जरूर होनी चाहिए और ऐसे काउंसलर्स होने चाहिए हमारे पास इजिली अवेलेबल जैसे आप हैं अभी बिल्कुल हमारी कन्वीनियंट के हिसाब से आपने काउंसलिंग को रखा है टाइमिंग सब ये हमें अच्छा लगता है कि हमें घर बैठे ही सब कुछ मिल जाता है सब पता चल जाता है अपने ही बच्चे के बारे में जो हम इतने सालों से उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज एक बार ये टेस्ट कराएं और इसका इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा अपने अपने आपकी भी पर्सनैलिटी में चेंज होगा टुवर्ड्स योर मतलब बच्चे के साथ आप जैसा कनेक्शन रखते हैं उसमें भी आपका जैसे भी हम काउंसलिंग के थ्रू अभी गुजरे हैं आपके थ्रू तो बच्चों के साथ एक्चुअली हमने तो समय बिताया है छह साल लगभग हमारी 5 साल की जो बच्ची उसके साथ बिताया हमने उसको जाना है बट इस तरह से इंटरनली जानना जैसे टेस्ट के थ्रू या किसी साइकोलॉजिस्ट के थ्रू या कहते हैं ना काउंसलर के थ्रू जानना काफी अच्छा लगता है कि नहीं वही चीज है जो हमारे साथ हुई है और वही चीज हमने आपसे जानी तो लगता है कि नहीं हमारा बच्चा लगभग सही दिशा में सही तरह से बिहेवियर कर रहा हम तो रीड कर ही रहे हैं साथ ही साथ उस स्टडी ने भी हमारे बच्चों को उसी तरह से रीड किया तो इस चीज के लिए मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली आप एक बार इस टेस्ट के थ्रू जाइए तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा आपको खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि कई बार क्या होता है हम बच्चों को ओवर जज कर लेते हैं या जज नहीं कर पाते हैं अब टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि नहीं वास्तव में हमने वो मिस्टेक्स की हैं पास्ट में तो वो एक रहेगा कि आप उस चीज से थोड़ा ओवरकम हो सकते हैं बच्चे के साथ तालमेल बिठा सकते हैं अच्छे से क्योंकि क्या होता है बीइंग एज अ पेरेंट्स अगर आप वर्किंग है तो उतना जज नहीं कर पाते हैं टाइम होता नहीं है जैसा कि मैडम ने कहा हमारा टाइम बेसिकली हमारे वर्क में ही चला जाता है और जो हाउस होल्ड होते हैं उनका भी टाइम लगभग घर में चला ही जाता है और अभी जिस हिसाब से अभी कॉम्पिटिशन वगैरह ये देख रहे हैं हम लोग तो बच्चे का ओरिएंटेशन हमें प्रॉपर पता चले जो नेविगेशन जो हमें पता चले कि बच्चों का किस तरफ से झुका हुआ है किस तरह से हम लोग डाल सकते हैं तो वो टेस्ट उसमें बहुत फ्रूटफुल रहा है और डेफिनेटली जिस तरह से हम अपने बच्चों को अब आगे से नेविगेट करेंगे जो इस तरह से बेनिफिटेड हुए हैं आपके स्टेट से तो मैं अदर दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि वो भी इस बेनिफिट का फायदा लें वो भी एटलीस्ट बच्चों को इस टेस्ट एक बार तो जरूर ही कराएं जैसा कि आपने कहा कि फिंगरप्रिंट्स चेंज नहीं होती हैं तो एक बार उनको कराना चाहिए हम लोगों का तो यही मत रहेगा कि एक बार उनको कराना चाहिए थैंक यू सो मच सर आप लोगों ने वैल्यूबल फीडबैक दिया वैल्यूबल समय दिया इसके लिए और हमारे दर्शकों को एक सही मार्गदर्शन के लिए आपने अपील किया है क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट बताते हैं कि फिंगरप्रिंट कभी चेंज होते नहीं है और ये टेस्ट जो है कोई प्रिडिक्शन नहीं है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पोटेंशियल के बारे में बताया था कि हम ना आपका बच्चा कौन सा पोटेंशियल लेके पैदा हुआ है तो हम बड़ी आसानी से अपने समय और अपने धन की दोनों की बचत करके बच्चे को सही दिशा दे सकते हैं थैंक यू सो मच